अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज असानी तैयारी आए छूट जिला वन पे बे ही असाजा सानो वडेरो भी गड आए बाबा जमाली साहब आए प्लस पे असाजा दोस्त गड आए इस्लामदीन दिलबेदार कंबराणी मोरी मंगर का मुके गुराया दन वटो आजन बिटजा दे बस दुआ करे वदार जी जो बिटजा दे इंशाल्लाह ताला पर रिकॉर्डिंग में शुरू थी उदारी गाड़ी में वाजू वडेरे गाड़ी में आन सुपर आयो दे चढ़ू ठीक है ना मेहरबानी आ दिसण में कारो बचा और समझी विंदा आ पया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तो हम शाह अब्दुल लतीफ भटाई पे पहुंच गए हैं। हमारे सिंध के रहने वाले तो किसी न किसी बहाने से तो आते रहते हैं, मगर जो हमारे दोस्त भाई यार दोस्त जो बैर मुल्क में रहते हैं जो बैर हैं उनके लिए आज हमने बनाया है। देख लो शाह अब्दुल लतीफ भटाई का दीदार कर लो, मैं और साई तीसरा बंदा हमारा यही है अनिस भाई, क्योंकि कैमरा मैन हम लाए नहीं इसीलिए इसको कभी कभी ऑन होना पड़ेगा, आपके सामने आएगा नहीं तो कैमरा के बैक साइड खड़ा रहेगा। इसीलिए अभी हम चलते हैं दरगाह में, उसके बाद सबको दीदार कराते हैं शाह अब्दुल लतीफ भटाई का। चले तीनों आ गए, ये साई आलम पा गए शाह अब्दुल लतीफ भटाई का और ये मदार है, आप भी दीदार कर लो हम भी आ गए जी। ये सिंध के लोग तो अक्सर और बेशतर यहाँ पे हाजिरियाँ देते रहते हैं, हाँ। लेकिन सिंध से बाहर के जो लोग हैं इनकी मालूमात के लिए मैं ये बताता चलूँ कि ये शाह अब्दुल लतीफ भटाई का रोजा हैदराबाद से तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पे है। हैदराबाद से अगर आप आएंगे अपनी सवारी अपनी गाड़ी लेकर तो सिर्फ 45 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद शहर अगर आपका आना हो तो भिक्षा पे लाजमी हाजिरी भरें आप, वो भी हाला की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ हाला की तरफ, हाला की तरफ जाना पड़ेगा, हाला की तरफ जाहिर है। तो और ये बहुत ये रूह परवर जो है यहाँ पे इसके हैं ये सामने। अभी हम चलेंगे अंदर शाह अब्दुल लतीफ भटाई की, अंदर जाएं, अंदर चलेंगे, अंदर चलते हैं और आप दोस्तों का भी दीदार कराते हैं। अनिस भाई भी आएगा आपके पास, शाह अब्दुल लतीफ भटाई के अंदर मदार देखते हैं। शाह जो रिसालो, अच्छा जो रिसालो शाह अब्दुल लतीफ भटाई का, उसकी पोइट्री आप पढ़ेंगे तो आप हैरत जगा रह जाएंगे। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का रिसाला, शाह अब्दुल लतीफ भटाई का जो रिसाला है वो अगर आप उसको पढ़ेंगे उसकी पोइट्री आप देखेंगे तो आप हैरत जगा हो जाएंगे कि आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पहले जो है वो ऐसी पोएट्री जो है शाह। अभी हम इन हो रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ भटाई की मदार में और इंशाल्लाह आपको भी दीदार कराते हैं, क्योंकि आप भी इसकी यारत कर लें शाह अब्दुल लतीफ भटाई की मदार की। दोस्त सिंध में रहने वाले और इधर नजदीक रहने वाले तो आते जाते हैं, मगर जो हमारे दोस्त बाहर मुल्क में रहते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ वो टेलीविजन में देखते हैं। आज हमारे थ्रू देख लें, हम भी आए और साई भी हमारे साथ है। अनिस भाई तो वैसे भी कैमरा के पीछे, हम वाई भी सुनते हैं की भाई है जी, सुभान अल्लाह, सुनने का अपना ही एक अंदाज है और मजा है। इसकी आवाज बहुत प्यारी है और इसमें तकरीबन जो जिक्र है वो अलग है, वो नबियों का जिक्र है और जो हकीकत है वो ही है इसमें। सुभान अल्लाह, अभी हम भिक्षा से आउट हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। ये खूबसूरत दोनों तरफ मार्केटें हैं, आप देख सकते हैं खूबसूरत दुकानें हैं, दुकानें हैं आप देख सकते हैं, सामान रखा हुआ है और खास करके हाला यहाँ से बहुत नजदीक है, 4-5 किलोमीटर का फासला है। ये यहाँ पे इस मजार पे हजारों लोगों का रोजगार बना हुआ है, दोनों तरफ खूबसूरत दुकानें खिलौनों की और मिठाइयों की और तबरुकात की। तो जो है आप देख सकते हो, दीदार कर सकते हो, देखो मार्केट है दोनों तरफ। हमारा कैमरा मैन अगर दिखाए तो बहुत अच्छा होगा, आपको मार्केटों का दीदार कराए, मार्केटों का दीदार, हमारा कैमरा मैन आपको अगर मार्केटों का दीदार कराए तो मार्केटें आप देख सकते हो। ये शाह अब्दुल लतीफ भटाई की मार्केटें हैं, जो आप बाहर मुल्क में रहने वाले हो आपको इसीलिए हम दिखा रहे हैं, क्योंकि नसीब की बात है यार
नीचे जा रहे हैं, चलते हैं किसी दुकान पे देखते हैं। हाँ क्या इनकी सौगात है, देखते हैं। हाँ रिक्शा की अस्सलाम वालेकुम सर, आप देख सकते हो ये दुकान है शाह बिलती मिठाई की। और ये कैसे दे रहे हैं? अच्छा ये मुल्तान का हलवा इधर भी आपके पास ही पहुंच गया है। कुछ ये क्या? कुछ तो खरीदारी करनी है। लादमी है, लादमी है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। ये कितने का है जनाब? 200 10 रुपए का, बहुत सस्ता है। ये साईं को अभी अपना बचपन याद आ गया, ये अभी तक संभाल के रखा हुआ है, लगता है साईं को निकाह में मिला था। और साइन भी की हुई है, साइन भी की हुई है, देखो इस पे मोहर भी लगी हुई है, ये देख सकते।